आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। भारत की राजनीति के अंदर हमने ही रिकॉर्ड बनाया था 70 में से 67 सीट का, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली नगर निगम के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है और उससे भी ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है। ऐसे मौके पे मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूँ कि आम आदमी, एक गारंटी देना चाहता हूँ एक तरह से दिल्ली के लोगों को कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में सरकार बनाने के बाद एक स्कीम लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा जनता चलाएगी एमसीडी। अक्सर हमने देखा है कि छोटे छोटे कामों के लिए जनता को नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं, अब जनता निर्णय लेगी और सरकार काम करेगी। एक तरह से जितनी आरडब्ल्यूएज हैं, आरडब्ल्यूएज वो बॉडी होती है जो जनता के सबसे करीब होती है, आरडब्ल्यूएज को मिनी पार्षद का स्टेटस दिया जाएगा। अपने इलाके की, जैसे पार्षद एक वार्ड का बॉस होता है, वार्ड का नेता होता है, अपनी आरडब्ल्यूए के इलाके का, जो आरडब्ल्यूए का इलाका है उसका नेता आरडब्ल्यूए को माना जाएगा, आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का स्टेटस दिया जाएगा। किसी भी वहां पे रहने वाले जनता को किसी को भी काम कराना है उसको फिर किसी नेता के चक्कर नहीं काटने, वो अपने आरडब्ल्यूए के दफ्तर जाए, बताए मेरी ये नाली खराब है, मेरा ये गली खराब है, मेरा ये खराब है, पानी बिजली जो भी समस्याएं हैं, और उस वो आरडब्ल्यूए के पास ताकत होगी वो सारे काम करवाने की जो कि जनता आके सीधे उनको बोलेगी। तो लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए नेताओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरडब्ल्यूएस को अपना दफ्तर चलाने के लिए और लोगों के सारे छोटे छोटे काम कराने के लिए फंड्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो एक तरह से रियल मायने में आरडब्ल्यूएस का सशक्तिकरण किया जाएगा एमसीडी के अंदर सरकार बनने के बाद। इसका मकसद है कि जनता को दिल्ली का मालिक बनाना, जनता को असली नेता बनाना, दिल्ली के हर नागरिक को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, सीधे सत्ता दिल्ली के लोगों के हाथ में दी जाएगी और जनता जो है अपनी आरडब्ल्यूएस के जरिए अपने सारे काम करा सकती है। मेरी दिल्ली की सारी आरडब्ल्यूएस से अब विनती है, आप सब लोग अपने अपने इलाके के अंदर छोटे छोटे नेता हैं, आप सब लोग अपने अपने इलाके के अंदर सम्मानित लोग हैं, मैं सारी आरडब्ल्यूएस से निवेदन करता हूं कि 3-4 दिन रहेगा बस चुनाव के, आप सब लोग अपने अपने इलाके के अंदर, आप किसी भी पार्टी के हो, मेरे को पार्टीबाजी से कोई लेना देना नहीं है, आप आम आदमी पार्टी के हो, आप बीजेपी के हो, आप कांग्रेस के हो, अब आपको हम सशक्त करने जा रहे हैं, आरडब्ल्यूएस को हम सशक्त करने जा रहे हैं, रियल मायनों के अंदर हम आपको पॉलिटिकल पावर, फाइनेंशियल पावर देने जा रहे हैं। हर आरडब्ल्यूएस से, मेरी दिल्ली की हर आरडब्ल्यूएस से विनती है कि आप अपने अपने इलाके के अंदर डोर टू डोर जाइए, एक एक के घर जाइए और उनको कहिए कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सबके आरडब्ल्यूएस के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप सबको कहिए कि भाई आप जिस भी पार्टी को, कोई बात नहीं, इस बार सारे जने मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट दें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी को वोट दिलाने के लिए वो करें। सभी आरडब्ल्यूएस को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके इलाके में मान लो दूसरी पार्टी का कोई पार्षद बन गया, फिर वो देख लो आपको काम नहीं करने देगा, किसी भी आरडब्ल्यू को काम नहीं करने देगा, और आपको हम जो सत्ता देना चाहेंगे उसके अंदर वो अड़चन अड़ाएगा। तो आप सब लोग मिलके इस बार इंश्योर कीजिए कि 250 की 250 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए ताकि हम आपको सशक्त कर सकें। आपके कोई प्रश्न है तो आप, सर पहला सवाल ये कि आप इनको ताकत देने की बात कर रहे हैं तो इनकी जवाबदेही क्या होगी? पार्षद को तो आप चुनाव में हरा सकते हैं, इनका अगर ये काम नहीं करेंगे किस तरह से आप इसका संवैधानिक पहलू, इसका सारा एक ट्रांसपेरेंट तरीका बनाया जाएगा, ऑनलाइन भी करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए जनता आई उनके पास, एक तरह से उनको अपना ऑफिस चलाने के लिए भी अगर हम पैसे देंगे तो सिस्टम भी बनाएंगे ऑनलाइन, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जितनी ग्रीवांसेस आ रही हैं लोगों की, जितनी डिमांड्स आ रही हैं वो ऑनलाइन पार्षद भी देख सकता है, एमएलए भी देख सकता है, सरकार भी देख सकती है कितनी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं, कितनी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो वो उस तरह की अकाउंटेबिलिटी रहेगी। मैंने जैसे पहले भी कहा था 230 क्रॉस करना चाहिए, मेरे हिसाब से 250 में से 230 क्रॉस करना चाहिए, 20 बीजेपी की 20 से कम आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
मेरा तो, मैं ये चुनाव जो है मैं चाहता हूँ कि दिल्ली का हर व्यक्ति केवल चुनाव में वोट डालने ना जाए, चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, प्रचार करे, अच्छी पार्टी का प्रचार करे, ईमानदार पार्टी का प्रचार करे, घर घर जाके प्रचार करे। सब लोग प्रचार करो, सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, अपनी अपनी डीपी बदल लो, डीपी में झाड़ू का चुनाव चिन्ह लगा लो, सारे लोग इसको आंदोलन बना दो इस चुनाव को। क्या हुआ है? कश्मीर फाइल्स बोला गया कि इस तरह की फिल्म कैसे पहुंची है, मेरे को आईडिया नहीं क्या हुआ। सीएम साहब, हरियाणा में आपने खाता खोल दिया है, हरियाणा में आप दूसरे नंबर पर आ गए, वो पहली बार चुनाव लड़ा था, अब असेंबली चुनाव में पहले नंबर पे आएंगे, जनता की पहली पसंद बनेंगे। सर, कूड़े के पहाड़ का मेन मुद्दा बना के चल रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ये हर जगह होता है, हर शहर में होता है, ये तरह से। लंदन में कूड़े का पहाड़ कहाँ है मुझे एड्रेस बता दें, टोक्यो में कूड़े का पहाड़ कहाँ है मुझे एड्रेस बता दें, वो छोड़ो इंदौर में कूड़े का पहाड़ कहाँ है मेरे को एड्रेस बता दें। 5 साल पहले ये इसी बात पे चुनाव लड़े थे कि कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, अब 5 साल में इनसे कूड़े का पहाड़ नहीं हटा, तो अब कह रहे नहीं कूड़े का पहाड़ तो हम हटा ही नहीं सकते। ये तो गलत बात है, लॉयर्स की पेमेंट तो नहीं रोकनी चाहिए, वकीलों की पेमेंट क्यों रोक रहे हैं लोग? तो ऐसे नहीं रोक सकते, ऐसे नहीं रोकना चाहिए, हर चीज में अड़चन अड़ाना, हर चीज में अड़चन अड़ाना। पहले योगा क्लासेस रोक दी, फिर पोल्यूशन के खिलाफ काम कर रहे थे वो रोक दिए, अब आप बता रहे हैं कि लॉयर्स की पेमेंट रोक दी। काम रोकने वालों का, रोकने वालों को जनता पसंद नहीं करती, काम करने वालों को जनता पसंद करती है। एलजी साहब ने जितने 6 महीने में काम रोके हैं वो अब देख लेंगे एमसीडी के नतीजों में क्या हाल होता है इन लोगों का। अगर ऐसे ही काम रोकते रहे तो वो 7 सीटें भी बंपर मार्जिन से जीतेंगे अगले साल, देख लेना। सर, जिस तरीके से आप कहते हैं कि आप काम करते हैं और बीजेपी बदनाम करती है, तो क्या लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि लगातार जो आपका ग्राउंड है वो बढ़ रहा है एमसीडी में जीत के मार्जिन की तरफ, तो जो वो बदनामी है वही काम आ रही है? बदनामी कौन सी है? वीडियो जो इन्होंने निकाले हैं, मैं आपको इसका मैं जवाब दे देता हूँ। जनता बड़ी सयानी होती है, इनको लगता है कि जो पार्टियाँ जनता को बेवकूफ़ समझती हैं वो पार्टियाँ ही ख़त्म हो जाती हैं। आज मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया, उस आदमी ने इस पूरे प्रकरण को बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। कहते हैं जी, दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी दुकान दिल्ली वालों ने बंद कर दी, उनका माल बिकना दिल्ली में बंद हो गया, तो उस पार्टी ने एक वीडियो बनाने की कंपनी शुरू करी। आजकल जब माल बिक नहीं रहा था, पुराना माल बिक नहीं रहा था, तो वीडियो बनाने की कंपनी शुरू की, डेली एक नई पिक्चर रिलीज करते हैं, वो एक नया वीडियो रिलीज करते हैं। जैसे बॉलीवुड में एक नई पिक्चर हर शुक्रवार को आती है, हर शुक्रवार को एक नई पिक्चर रिलीज होती है, ये भी एक नया वीडियो रिलीज करते हैं। बॉलीवुड की पिक्चरें सिनेमा थिएटर में रिलीज होती हैं, इनकी पिक्चरें रोज न्यूज़ चैनल पर रिलीज होती हैं, लेकिन पिक्चरें इतनी घटिया और इतनी बोरिंग है कि सुबह 9 बजे रिलीज होती है, बस पहले 9 से 12 का शो चलता है, 12 बजे सारे न्यूज़ चैनलों पे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कोई चलाता ही नहीं इनकी पिक्चरों को, उसमें ना गाने ना डांस इनकी पिक्चरों में, इनके वीडियो में कुछ भी नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। इनसे निवेदन है कि कुछ वो इनके नेता का एक वो रिंकिया के पापा का डांस डाल दें उसमें, वो बेबी बियर पी के नाचे छम 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 वो डाल दें, तो पिक्चर थोड़ी चल तो जाए। और पिछले 4-5 दिन से तो पिक्चरें आ ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया, इनके वीडियो ही कोई नहीं आए 4-5 दिन से, तो फेल हो चुके हैं, इनकी वीडियो की कंपनी भी फेल हो चुकी है। इस तरह के जो वीडियोज हैं वो पॉलिटिक्स में कोहराम मचाते रहे, लेकिन पहली बार मैंने बताया कि वीडियो इतने बोरिंग हैं, वीडियो में कोई कंटेंट नहीं है, वीडियो को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाएंगे तभी तो वीडियो चलेंगे, तभी तो पिक्चरें चलेंगी, उसमें कुछ भी नहीं है, इतने बोरिंग वीडियो है। एंटी इनकंबेंसी है या आपके कामों को जनता वोट कर रही है एनसीडी में, या जनता पॉजिटिव राजनीति चाहती है, जनता गाली गलौज नहीं चाहती। आज इनके 7 मुख्यमंत्री इन्होंने ला रखे हैं दिल्ली में, 7 मुख्यमंत्री, 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, 1 उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, और 17 कैबिनेट मिनिस्टर इनके दिल्ली में उतरे हुए हैं। इतने सारे नेताओं की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 15 साल में कुछ काम नहीं किया, अगर कुछ काम कर देते तो इतने नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती, इतने नेताओं को उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एक कैबिनेट मिनिस्टर से मैं पूछ रहा था, मैंने कहा क्या करते हो, कहते जी हमको एक ब्रीफ दिया जाता है
जब हम आते हैं चुनाव प्रचार के लिए तो हमें 2 पेज का एक ब्रीफ मिलता है, भाई ये बोलना है आपको, तो बोला जो उसमें ब्रीफ था उसमें इन्होंने कोई काम ही नहीं लिख रखे थे भाई 15 साल में क्या काम किए। तो बोला हमने पूछा पार्टी से भाई क्या काम गिनाए, तो उसमें बोला बस केवल गालियां लिखी हुई थी कि केजरीवाल को ये गालियां देनी है। तो केवल केजरीवाल को गालियां देने से आप चुनाव जीतना चाहते हो जनता के बीच में? मेरे को गाली दे के कहते हैं केजरीवाल के पैर तोड़ देंगे, केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। मैं कहता हूं मैं दिल्ली को साफ सुथरा करूंगा, कहते हैं केजरीवाल की टांगे तोड़ देंगे। मैं कहता हूं मैं दिल्ली को चमकाऊंगा, दिल्ली का गंद निकालूंगा, कूड़ा हटाऊंगा, कहते हैं केजरीवाल की आंखें फोड़ देंगे। ऐसे तुम चुनाव जीतना चाहते हो? अगर तुमने 15 साल में, आज मैं जेपी नड्डा जी ने अभी कुछ, उनको मैं चैलेंज करता हूं, एक काम गिना दो 15 साल में तुमने जो एक काम किया है, एक काम नहीं किया। इनका केवल एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है, केजरीवाल को गाली दो। इनका केवल 1 पॉइंट एजेंडा है एलजी साहब से सारी दिल्ली के काम रोको। काम रोकने वालों को, गालियां देने वालों को वोट नहीं मिलता, काम करने वालों को वोट मिलता। जनता तय कर लेगी, अब देख लेना 8 तारीख को 7 तारीख को जनता तय कर, जनता को तय करने दो। चलो ओके, थैंक यू।